नमस्कार दोस्तों, भाजपा टुडे में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान। चुनावी जो रण है वो बहुत तेजी के साथ चल रहा है। 11 तारीख में मतदान होना है और 13 में रिजल्ट आना है। इस वक्त पहुंचे हैं बड़ौत में, जहां लगभग 25 वार्ड है और 1 लाख से ज्यादा वोटर है। और वोटरों की क्या स्थिति है, जीरो ग्राउंड पे हम देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि आखिर अब की बार क्या स्थिति है, पहले में कितना यहाँ विकास हुआ है और कितना नहीं हुआ है, और यहाँ के जो वोटर है, यहाँ की जनता आखिर क्या चाहती है। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, ये भारी संख्या में लोग हैं, इनसे पूछेंगे कि जो वार्ड है, यहाँ की जो स्थिति है और शहर की स्थिति है किस तरीके की है। क्या नाम है जी आपका? जी धर्मपाल सैनी। धर्मपाल जी, ये बताइए यहाँ ये कौन सा वार्ड है और यहाँ कितनी वोट है? 8 वार्ड है जी। यहाँ पे स्थिति ठीक बहुत अच्छी है जी। सब बीजेपी तरफ की पड़ रहे हैं। 9 वार्ड है ये? 9 जी 9। अच्छा, 9 वार्ड है। कितने किन किन बिरादरियों के यहाँ लोग रहते हैं? लगभग सभी बिरादरी है, सभी समाज से सबसे ज्यादा है। अच्छा, क्या स्थिति लगती है आपकी बार? आपकी बार जी, हमने सुधीरमान जी को चुना यहाँ से। सुधीरमान बीजेपी प्रत्याशी, क्या कहोगे जिस तरीके से बागपत में कितनी जो कमियां हैं, विकास कार्य कितने हुए हैं कितने नहीं हुए, क्या समझते हैं? बागपत में, बड़ौत में जितने भी कार्य हुए हमारी बीजेपी सरकार में ही हुए। अच्छा, और उससे पहले ना किसी सरकार ने करे, और ना हमें उम्मीद लगती है अगर इससे अलग कोई सरकार आए करे। बीजेपी सरकार ने कार्य करे हैं अब तक, बड़ा दावा की बात करें, क्या क्या समझते हैं बाबा? आगे भी बीजेपी सरकार आनी चाहिए। अच्छा, हाँ, पहले भी तो बीजेपी सरकार थी, लोगों का कहना था यहाँ जो बीजेपी विधायक है उसने कुछ काम नहीं करे। करे बहुत करे। जैसे कि मुझे पांच जो काम है वो गिनवाए साहब, जैसे सरजी रोड, हाँ, और सुरक्षा, व्यवस्था, हाँ, और ये पानी, हॉस्पिटल वगैरह सब ठीक, सफाई भी अच्छी तरह से हो रही है यहाँ पे। और अब हम बीजेपी सरकार में जो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि बीजेपी सरकार बने, और बीजेपी को ही हम चाहते हैं, बीजेपी को ही हम सपोर्ट करते हैं। हमेशा बीजेपी रहेगी। हाँ, क्या कह रहे जी? बीजेपी हमेशा रहे। अच्छा, देश की उन्नति और देश का विकास बीजेपी से है। 2024 में भी हम बीजेपी को चाहते हैं। अच्छा, यानी विकास की और उन्नति की बात करें तो बीजेपी। अच्छा, ये जो क्षेत्र है ये आरएलडी का गढ़ कहा गया है। अब की बात आरएलडी का गढ़ नहीं है, ये विकास का गढ़ है। अच्छा, केंद्र में बीजेपी की सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार, नगर में बीजेपी की सरकार आएगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, नगर का चौमुखी विकास होगा। हाँ जी, आरएलडी की तो मान्यता भी समाप्त हो चुकी, क्योंकि इसके वोटर की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। अच्छा, हाँ जी, बीजेपी के अनुशासित लोग हैं, और हम बीजेपी के वर्कर नहीं है, हम नगर के नागरिक है, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि बीजेपी एक अनुशासित टीम है। टीम और पार्टी की बात की जा रही है जी, क्या कहेंगे? हमारा तो एक नारा है जी, वो रजनीकांत सर ने कहा था, झुंड में तो सुअर आते हैं, अच्छा, शेर अकेला ही आता। अच्छा, मतलब इसका फुल फॉर्म मतलब हमें बताएं, नरेंद्र मोदी। अच्छा, यानी जो वोट आप दे रहे हैं वो नरेंद्र मोदी को देख कर दे रहे हैं, यानी विकास कार्य को देख रहे हैं, और जो स्थिति है नरेंद्र मोदी और योगी मोदी। अच्छा, योगी और डबल इंजन डबल इंजन सरकार ट्रिपल डबल इंजन और आने वाले कल में मुझे ये बताओ, 5 काम ऐसे बताओ जो योगी सरकार के बहुत बड़े काम है। कुछ छोड़ो, कुछ भी काम हो, बस हम तो ये चाहिए पूरी उम्र इस धरती पे हम हैं मोदी और योगी। और मोदी मैं कहूँ भाई, आने वाले कर्म में रिटायर भी हो गया तो हमें योगी चाहिए जी, योगी चाहिए जी। योगी जैसा काम किसी ने आज लोग को करा ही नहीं, और ना कोई करे। योगी जो है जी महान है जी, बाबू जी बस हमें तो वही चाहिए, बुलडोजर बाबा जी। सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है बहुत बेहतरीन एकदम, कहीं भी लड़की कहीं जाओ, कहीं बहू जाओ, कहीं फिरो, हम भी जाओ, कभी हम आओ, कहीं मान लिया 7 बजे हम चले गए, वहीं कहीं रागनी होगी, अब कम रात को 12 बजे जाए, 2 बजे जाए, कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष के कुछ लोगों का कहना है कि इनका इस सरकार में तो कुछ हुआ ही नहीं, खत्म कर दो, खत्म बिल्कुल, ये तो कुछ है नहीं विपक्ष, विपक्ष हमें तो योगी और मोदी चाहिए। और हम तो गए, अगर हमारा बाबा मोदी रिटायर होने लगा तो उसे रिटायर ना होने दो, जुकर विदेश है ना जी, राष्ट्रपति बनाए की रहेगा तो वो रहेगा, हम तो चाहता यही मोदी रहेगा, इतने चिंता रहेगा। ये देख सकते हैं किस तरीके से अपनी बात इन लोगों ने रखी है, और जो समस्याओं की बात करें तो समस्या इन्होंने कही कि यहाँ ऐसी कोई देखने को नहीं मिलती, सफाई
और यहाँ बिजली पानी रास्ते तमाम चीजों की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। और बीजेपी सरकार के जो पहले भी जो यहाँ प्रत्याशी जो यहाँ चेयरमैन रहे हैं पूर्व में भी वो बीजेपी के थे और अब की बार भी ये बीजेपी के चेहरे को समर्थन दे रहे हैं। साफ तौर पर देखने वाली बात है योगी और मोदी का जो वर्चस्व है वो साफ तौर पर दिख रहा है, उनकी जो कार्यशैली है वो दिख रही है और जो युवाओं में इनमें दिख रहा है जोश अपने आप में दिख रहा है। वोट करी है आपने पहले कभी? जी। अच्छा, अब की बार क्या विचार मानते हैं? अब क्या भी फूल को ही देंगे वोट। अच्छा, बीजेपी के ही है, बीजेपी के ही रहेंगे। अच्छा जी, क्यों आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि काम सही हो रहे हैं ना। अच्छा, काम सभी सही हो रहे, किसी भी काम में कमी नहीं है। ठीक है, कुछ समस्या तो होगी, कहते हैं लोग बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार नहीं, सब रोजगार करने वालों को कमी है क्या भाई? मैं लोगों को तसले ढोलेंगे, मजदूरी करेंगे, इनके ढोंगे सिर पर धर धर के, पर हमें चाहिए योगी और मोदी। और महंगाई हो जाओ कुछ, सिलेंडर लू गए, सिलेंडर 1100 कुछ का हो गया, मैं 2000 का हो जाओ, 2500 हो जाओ, 3 का हो जाओ, वही लहंगा, पर मैं मोदी और योगी। मोदी और योगी की लहर, बाबा कितना समझते हैं कि कितना सही है ये। ये बहुत बढ़िया योगी मोदी। अच्छा, क्यों इस नगर में कितना विकास हुआ कितना नहीं हुआ, विकास की कोई बात नहीं, यह योगी मोदी के नाम पे वोट रहेगी? हाँ, योगी मोदी के सही है सारे काम। क्या कहोगे दोस्त, क्या स्थिति है? विकास भी है। अच्छा, क्या कितना? पूरा का पूरा विकास है, कोई समस्या ही नहीं है। अच्छा, गुंडागर्दी नहीं है, कुछ नहीं है, सब महंगाई का तो कोई दौर नहीं, महंगाई तो कोई सी भी सरकार रोक नहीं सकती, महंगाई तो जो है लेकिन कोई समस्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ वार्ड 9 में खड़े हैं और यहाँ सभी जो वर्ग के लोग हैं, इन्होंने अपनी समस्या बताई है, अपनी बातें बताई है, समस्या नहीं अपनी बातें बताई है। और साफ तौर पर जो झंडा बुलंद की बात कही है वो कमल का फूल ये खिला रहे हैं। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये वो जनता है जो अपने प्रतिनिधि का और अपने जो लीडर का उसको उसके हाथ मजबूत करती है। ये साफ तौर पर देखने वाली बात है, बड़ौत की जनता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 11 तारीख में कितने बड़ी संख्या में जाकर अपने मत का अधिकार करते हैं और अपने वोट की चोट जबरदस्त तरीके से देते हैं और कितने बड़े पैमाने पर ये यहाँ से कमल के फूल को जिताते हैं, ये वक्त बताएगा। कैमरा सीईओ के साथ मैं देवेंद्र चौहान, बड़ौत।